pray that spring comes again to Kashmir and to the rest of India and to the rest of the world. Vidhu sir, this is Ravi Jain from MP News. सर मेरा सवाल है आपने 2000 में मिशन कश्मीर बनाई थी कश्मीर पर आधारित फिल्म थी लेकिन क्या इस फिल्म में शिकारा में हमें जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो जटिलताएं हैं और अभी आज के प्रेजेंट दौर में जो कुछ अभी बदलाव आया है कश्मीर में 370 हटा दिया गया क्या इस फिल्म में हमें पुरानी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ प्रेजेंट में भी इस फिल्म में लाया जाएगा या सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर ही आधारित फोकस किया है आपने सर देखिए ये फिल्म में दो फर्क हैं एक तो ये है कि मिशन कश्मीर की आपने याद दिलाई तो उसमें भी एक लाइन थी वो कहता था कि ये किसने आग डाल दी है नरम नरम घास पे लिखा हुआ है जिंदगी यहां हर एक लाश पे ये तख्त की लड़ाई है ये कुर्सियों की जंग है और ये बेगुनाह खून की सियासतों का रंग है ये धुआं धुआं करके गाना था वो तब भी सच था वो आज भी सच है तो टू आंसर योर क्वेश्चन ये कहानी जो है ये 30 साल पहले एक पंडित कपल है शिव कुमार धर और शांति धर जो मैं आपसे मिलवाऊं वो जो आदिल खान और सादिया प्ले कर रहे हैं लोग तो ये उनकी कहानी है 1987 में शुरू होती है 87 में जब सब ठीक ठाक था फिर 89 में और फिर ये उनकी कहानी आज तक है और ये उनकी 30 साल की कहानी है जो हिंदुस्तान के भी 30 साल की कहानी है और इसको बहुत वक्त लगा लिखने में बनाने में लेकिन ये कहानी उन लोगों की है जो 30 साल तक अपने ही देश में रेफ्यूजी हैं विच इज वेरी वेरी अनयूजुअल सर एक छोटा सा और सवाल है बॉलीवुड में कई फिल्में कश्मीर को लेके बनी है बहुत सुपरफिशियल लेवल पे फिल्में बनती है हमारे यहाँ पर अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो एक आध चुनिंदा फिल्में ही बनी और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी है आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड ने इस समस्या को जो जम्मू कश्मीर की कश्मीरी पंडितों की समस्या उसे इग्नोर किया उसे हाईलाइट नहीं किया और फिल्में नहीं बनाई देखिए मैं बॉलीवुड का यहाँ पे माफ कीजिएगा मेरा बॉलीवुड से बहुत लूज संबंध है मैं हूं तो बॉलीवुड से मगर हूं मैं कश्मीरी मैं ना कहीं जाता हूं आप तो जानते होंगे ना मैं कहीं मैं अपने खुद के अवार्ड लेने नहीं जाता हूं तो वो क्या कर रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो किस किस्म का सिनेमा बना रहे हैं उससे मैं क्या आपको क्या जवाब दूं वो खुश रहे अपने घर में हम अपने घर में खुश हैं हमने बना दिए लेकिन मैं शुरुआत करूंगी विधु विनोद चोपड़ा जी से सबसे पहले आपके साथ आपके मदर के साथ जो भी हुआ सर उसकी पूरी यूनिवर्स मजम्मत करता है उसको कंडेम करता है एंड एवरीबॉडी इज सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड टू एनी कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इस वीडियो की शुरुआत हुई थी गाने से जो कि शादियों में गाया जाता है उसकी बोल ये है कि रसूल पाक का साया मुबारक हो दुल्हन की अम्मी से कह देना दुल्हन की अब्बा से कह देना मुबारक हो मजहब कोई भी हो ये गाना सब गाते हैं मिडल ईस्ट में अगर आप जाएं तो जब मुसलमान लड़की की शादी होती है तो वो वाइट कलर का वेस्टर्न गाउन पहनती है टियारा पहनती है वैसे ही दोनों एक साथ अपने घर में जाते हैं जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है बिकॉज वो वेस्ट को फॉलो करते हैं इंडिया में जब लड़की की शादी होती है तो वो लाल पहनती है मुसलमान लड़की लाल पहनती है क्योंकि वो हिंदुओं का शुभ रंग है सुहाग का रंग है अग्नि का रंग है विच मीन्स कि कल्चर इज मोर बाइंडिंग देन रिलीजन और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज लाइक ओपियम फॉर द मासेस इसमें एक नशा है और अभी इससे भी हमको फिर से ये पता लगा और आपने मिशन कश्मीर का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से डिस्प्यूट ऑफ लैंड में रिलीजन को बहुत चालाकी से लेकर आया गया और मोबिलाइज किया गया लोगों को उनके ओपिनियन को सवाल मेरा रहमान साहब से रहमान साहब जैसे कि मैंने दो एग्जाम्पल दिए आप भी बहुत वेल ट्रैवल्ड हैं कहाँ चेन्नई से शुरू करके आपकी आपकी जिंदगी बॉम्बे होते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड यूरोप अमेरिका एवरीवेयर यू आर देयर कैन यू रीइंस्टेट एंड विद एग्जाम्पल इस बात को इस सेंटेंस को आप अपने एक्सपीरियंसिस के जरिए और बयां कर सकते हैं कि कल्चर इज मोर बाइंडिंग देन रिलीजन थैंक यू दैट्स अमेजिंग बहुत अच्छा बोलती है फिल्में लिखी आई थिंक यू सेड इट ऑल आई डोंट हैव टू स्पीक बट देयर आर डिफरेंसेस कलर डिफरेंसेस
cultural differences. And it's very, very important to make movies, do music where people feel that they are they can relate to it. And unfortunately, what happens is, even if you take color, you take North Indian industry, you don't see any dark person. So anybody dark is a villain, or a female is like, I don't want to mention what. And so there are differences. If you allow, there is an old saying that if the whole world practices one religion, Satan will come in between them. In a family, it's a united family, Satan can come and split them. Be between, you know, mother-in-law, daughter-in-law. It could be brothers. And so if you allow that Satan to come in, anything can happen. If India becomes one religion or the world becomes one religion, there will still be... The separation is the devil's job. A devil is actually lack of light is always darkness, I feel. And there's not darkness color. It is darkness spiritual feeling, what I would say. So, in my opinion, I was just telling him, when he said, you have to speak, I don't know what to speak. And I was telling about this, like, if you allow the devil to come in within you, people commit suicide. They get depressed because of lack of self-esteem and lack of, things they're not being loved. So this is again the devil's thought. What if that person was alive? He could probably, you know, serve millions of people with this knowledge, with this experience. I was also a victim. I had suicidal thoughts when I was young, and I was thinking if I had died, maybe there wouldn't have been the Matruji Salam Mande Matram. There wouldn't have been 2 Oscars for India. And, you know, so it's very, very important to not allow that negative Satan to come within and split families, cities, villages, nations. And this is the time to say that. I know it sounds very cheesy and preachy, but this is the truth. And even if we follow one thing, there will be division, there will be caste, there will be color, there will be rich and poor. And these are the differences. We need to go beyond and see how we can pull up the poor, how can we give them better. Because the poor are not poor. Because if in every spiritual thing it says that by feeding the poor, you get sawab, you get spiritual benefit. Because their souls are from God. We have the soul of God. And it's not which God? God. And we say it in different ma, mother, amma, different names, but same creator. And that's all I can say. Vidhuji. You know, the kind of, to further what he said, let me tell you that there was a time, and not many, I'm sure my son doesn't know this, that there was a time that I was in Khandala and I was about to kill myself. Because I was so disillusioned with the world. And so all of us go through a crisis of sorts. But the important thing is that we have a function to serve. For me, mujhe aaj itna sukoon hai, aur itni khushi hai, ki ye film itne saal mehnat karke ban gayi, aur ye Hindustan ke log dekhenge, aur mujhe lagta hai ki unki zindagi mein zaroor kuch khushi aayegi. Aur khaas kar wo 4 lakh pandit jo hain, जो इस फिल्म में हैं, मुझे लगता है उनकी जिंदगी में कुछ फर्क होगा। Can I add something? Yes. When I watched the film, I was okay. I gotta watch this movie. I'll firm up. And when I watched it, I felt like his intentions were very, very pure. Even all the stuff, bad things which happened, he showed us in the shadow. I don't want to reveal that, but that was brilliant. It was genius. And then I understood his intention was like you have the famous quote. You want to say that? Which one? Jyotna. Yes, you say. My Hindi is bad. No, you say. See the what he's saying, and I don't mind revealing it. लोग तो देखने वाले हैं फिल्म को कि जितने इसमें so-called militants हैं सब faceless हैं shadows हैं मेरा कैमरामैन रंगा यहाँ कहीं बैठा हुआ है उसकी पहली फिल्म है मेरा co-editor शिखर वो पहली फिल्म है उसकी शिखर की ये जितना crew है इनकी पहली फिल्म और ये पहली फिल्म सिर्फ इसलिए हो सकती है क्योंकि इनमें जो प्योरिटी थी वो मुझे कहीं नहीं मिली एंड आई वांटेड फेसलेस वायलेंस ऑन फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग रंगा डिडंट नो इट वुड इट किल देम ऑल इफ यू सी द फिल्म देयर इज नॉट अ सिंगल फेस दैट यू विल सी थ्रोइंग अ स्टोन इट्स ऑल शैडोज एंड आई हैव रियली वर्क्ड वेरी हार्ड टू कन्वे देयर शैडोज एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही मेंशन एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म वो एक लकीर है जो आप फिल्म में ही देख पाएंगी वो कहता है कि एक लकीर है तो धीरे से थोड़ी सी वो जो मेन कैरेक्टर शिव कुमार सर बच्चों को पढ़ा रहा है वो कहता है कि दो लकीरें देखो पेपर पेंसिल मिल सकता है क्या किसी के पास है नहीं है
तो आप फिल्म में देख लीजिए. पर उसका आइडिया ये है कि वो कहता है कि आप तोड़ो नहीं जोड़ो. द आइडिया ऑफ द फिल्म इज दैट. ओके सो आई एम जस्ट लुकिंग आउट दिस विदु सर फैजान इज साइड फ्रॉम रीजन राइट हियर. विदु सर मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने कहा कि ये फिल्म आपकी माँ के लिए है, तो पर्सनली ये जर्नी कितनी इमोशनल थी आपके लिए शिकारा की? देखिए ये मेरी माँ के लिए, इनकी माँ के लिए, आपकी माँ के लिए, सारे हिंदुस्तान की माँ के लिए. पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये मेरी पर्सनल कहानी है. लेकिन जैसा रहमान ने कहा, जब इसने पहले फिल्म देखी और मैं बैठा मेरे एडिटिंग रूम में और बोला कि यार मैं कैसे करूं, मैं भी, मैंने कहा यार तू देख ले फिर मत कर. तो फिल्म देखने के बाद वो जो पहला रहमान था वो नहीं था, तो इनको भी फिल्म ने छुआ तो ही इन्होंने इतना काम किया. अभी ये कल इनका जन्मदिन था और सबने कहा कि ये लेट आता है, सबसे पहले ये आज आया हुआ था, मैं इसके बाद आया हूं, मुझे इतनी शर्मा, ये सबसे लेट आया. तो मेरा पॉइंट क्या है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनको उस फिल्म में वो चीज महसूस हुई है जो हमको महसूस हुई. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फिल्म है. मैं चाहूंगा कि सारा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए इस वक्त ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है. जैसा कि आपने कहा कि ये हिंदुस्तान के लिए फिल्म है और मैं चाहता हूं कि इस माहौल में हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी फिल्म जरूर देखे. शिकारा जो है कश्मीर की कहानी बताता है और जिस तरह से एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, लगातार यंगस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स प्ले कर दिखाए जा रहे हैं जिसमें फ्री कश्मीर लिखा है और ढेर सारी चीजें हैं, हेट्रेड की भावना है, इस पर आपका क्या टेक है सर, कश्मीर को लेकर जो लोगों की सोच है? देखिए मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखिए. मैं समझता हूं कि आपकी सोच में थोड़ा फर्क आ जाएगा. मैं आपको फ्री टिकट भेज दूंगा क्योंकि मैं रियली चाहता हूं कि लोग ये फिल्म देखें. ये मैंने बहुत फिल्में बनाई हैं. मैंने जब लगे रोमन्ना भाई बनाई थी उस वक्त मुझे लगता था कि लोग ये फिल्म देखें क्योंकि महात्मा गांधी, और आज भी वो आज उसको याद करते. मैं उसी भावना से चाहता हूं कि लोग ये फिल्म देखें. आप जरूर देखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. लेकिन आप ये लेके चलिए कि अगर हम इस पोजीशन में हैं और ये भाई साहब एक दो महीने ऐसे लगे रहते हैं, अब मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मेरे से कुछ लिया भी नहीं है इसने, तो ये कोई जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है कि ये यार रहमान उठ के यहां आया हुआ है चेन्नई से, उठ के 3:30 बजे रात की फ्लाइट लेके बर्थडे के दिन. तो ये सिर्फ फिल्म है ऐसी कि ये फिल्म सबको कशिश है, इस फिल्म खींच दिए है, आप जरूर देखिए. प्रीति सोमपुरारिया फ्रॉम इंडिया न्यूज. सर मेरा सवाल ये है कि जेएनयू और जामिया मिल्लिया में जो हुआ उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है, और जैसे सोनल ने कहा कि गेट ऑफ इंडिया पे फ्री कश्मीर के कुछ प्ले कार्ड लगे हुए थे उसको लेकर का काफी हंगामा हुआ है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? जी मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंडेम ऑल वायलेंस. और मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने फिल्म बनाई है. ये 30 साल पहले जो वायलेंस हुई है वो भी मैं कंडेम करता हूँ, जो वायलेंस आज हो रही वो भी मैं कंडेम करता हूँ. लेकिन मेरे मन में कहीं एक बहुत होपफुल इंसान है. हो सकता है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, शायरी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि मैं जैसा आपका कि एक दिन ये बर्फ पिघल जाएगी, ये जो सर्दी का मौसम है ये वैनिश हो जाएगा और फिर बाहर आएगी. मैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत होपफुल हूं कि हिंदुस्तान, भारत, हम लोग फाइनली हम लोगों का एक नया स्प्रिंग आएगा. विदु जी आई एम गोइंग टू टेक लास्ट टू क्वेश्चन, सो विल गो विद विदु जी. आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो इस फिल्म के लिए. समथिंग लिटिल बिट ऑन अ लाइटर नोट, जैसे रहमान साहब ने कहा था कि उन्होंने फाउल लैंग्वेज की बात की, तो हम इन दिनों हमने देखा कि सलमान खान की जो फिल्म है राधे के सेट पर भी उस तरह से एक नियम बनाया गया था जहां पर लेकिन नो फाउल लैंग्वेजेस या फिर जो एनवायरमेंट है थोड़ा उसको हेल्दी रखा जाए. तो व्हाट डू यू फील लाइक यू नो कि दिस काइंड ऑफ एक रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करते, हाउ डज इट रियली हेल्प, एंड आई वुड लाइक टू रहमान साहब ऑल्सो टू से समथिंग ऑन दिस. देखिए मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा था, ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं. मेरी बच्ची जो स्टैनफोर्ड में पढ़ती है वो जो इंग्लिश में बोलता हूँ बोलती है डैडी आप मत ही बोलिए तो बेटा.
देते रहे, वो समझ नहीं आता किसी, लेकिन जब मैं गाली देता हूं ना शॉर्ट में समझ जाते लोग। तो अब पूरे क्रू को आदत हो गई कि यार अगर ये बोलेगा ये गाली का ये मतलब है, ये गाली का ये मतलब, तो मेरी अच्छी कट रही भाईजान, मैं नहीं करती। और मेरी फाउल लैंग्वेज में कुछ फाउल होता तो ये यहां नहीं बैठा होता, फाउल नहीं है ये जबान जो है ना उसका, आप उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मैं गाली बोलता हूँ, वो मेरी जबान है। विदु साहब एक सवाल अगर And the red line you saw that, right? The facts. Then I understood what the red line was. So I told them, well, once he finishes and we go, the next day morning he'll be wiped the whole studio. And scent it, dhoop and everything. And then he comes back again. Vidhu Sahab. So now we're going to take the last question. Okay. Yeah. Vidhu Sahab, I wanted to ask one question. Zahir hai Vidhu Sahab ki aapke kafi... I'm not sure where this... I'm standing. आते हैं वापस। विदु साहब, जाहिर है कि आपने इस फिल्म के लिए बहुत रिसर्च किया है, क्या आपको इस चीज का भी इल्म है कि गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, क्या उसका भी जिक्र है इस फिल्म में? आप फिल्म देखिए, क्योंकि मैं फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये फिल्म बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है और ये आप देखिए। Okay, so I think we're going to take the last question and after Walker, I have to raise your voice. Vijay ji, sawal aapse hai ek ki... Vidhu sir, the most important, it took you 30 years, 1990 this Atop story was there, started. So aapko ye 30 saal ke andar ye film ko aapne complete kiya hai, you must have faced so many hurdles in it, trying to keep the facts intact as such. And the best part of it is Rahman sir collaborating with you, because when we heard his live demonstration over here, he is livening up the spirit of the people who are suffering over there. So can you highlight the situation? You may have come across so many situations while shooting this film, okay, which must have really made an impact. मैं आपको आपने एक बात बताता हूँ कि ये जो पोस्टर में भी आपने देखे हैं कलाकार, वो सब कलाकार नहीं, सब रियल रेफ्यूजी हैं। मेरे पास, योगेश के पास, मेरे को प्रोड्यूसर के पास एग्जैक्ट नंबर हुआ, पर ऑलमोस्ट 4,000, 3,000 से 4,000 पंडित रेफ्यूजी जगती कैंप से आए, और वो मेरे साथ कोई 15-20 दिन रहे, दिन में रात में। वो जो जस कंवर कोहली ने बनाई है वो बनेगी, वो आप डिजिटल देखिएगा कि कैसे रात रात भर वो लोग पूरी रात तक जागते रहे और काम करते रहे। लेकिन उसमें एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये रजिस्ट्रेशन का सीन था जब वो रेफ्यूजी आए, वो सीन इसमें फिल्म में भी है, ट्रेलर में भी है, जब वो कहता है कि आप हमारा घर यहां है, तो एक महिला थी आगे, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आई और फिर वो रोने लगी, तो दूसरा टेक था, तो मैंने कहा वन मोर, तो उनका अब नहीं होगा, मैंने कहा एक बार कर दीजिए प्लीज, कहते नहीं दो बार हो चुका, मैं तीसरी बार नहीं कर सकती, मैंने कहा नहीं दो बार नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है, कहती नहीं एक बार 30 साल पहले किया, वो नहीं कर पाई टेक, वो टेक नहीं कर पाई। और दूसरा एक बंसीलाल जी हैं, पोस्टर में भी आपको नजर आएंगे, वो सूटकेस लेके बैठे हैं, वो बंसीलाल जी अब नहीं रहे, वो एक्चुअली वो मर रहे थे, उनको कैंसर था, उन्होंने मुझे बताया नहीं, और उन्होंने जो जान लगा के कहा कि मुझे ले जाओ कश्मीर, और जिस दिन उनका मुझे खबर आई, योगेश या अतुल दुग्गल है, जब मुझे खबर आई कि वो अब नहीं है, तो मैंने कहा रे क्या हुआ, कह रहा सर वो तो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, वो खा, तो मैंने उनको कहा कि खाइए, बदले कहता नहीं भूख नहीं, वो खा नहीं सकता था आदमी, वो उस हालत में वो आदमी मेरे साथ वहां 15-20 दिन खड़ा रहा, और उसने ये फिल्म बनाई क्योंकि उसको लगा कि मेरे मरने के बाद भी ऐसी कोई बात रह जानी चाहिए, ये बातें जो है ना भूलेंगी नहीं। Rahman sir, how was it working on the film? Because a filmmaker will do the narration of the story as such, but music is an integral part which highlights the whole scene as such. But aapne the way you have done it, can you share some experience of yours? I think of any artist, we have empathy, and it's not about religion, no, it's about humanity. And when I see large suffering like that, that itself creates the whole thing. It's still happening in the world.
even though we've evolved so much, we still let it happen. And that's the irony. And I think that's what I was talking about. You know, there are much more bigger things we have to do rather than make people suffer. Thank you. I think everyone's seeing how special this film is. And now, Vidhu, I now want to call the actors. And before I call them, let me tell you that I have, worked with many actors. And every director says this. So, but because I don't lie, you probably will believe me that these are two of the finest actors, and I'm going to call them. They've been sitting there listening to this whole thing. That is Shiv Kumar Dhar, who plays Adil Khan, and Shanti Dhar, who plays Sabia. First, I'll call Shanti. She's looking extremely... There she is. Come. Sadia for you, and I think she will make us all very, very proud in the coming years. And let me call Adil now. He said it's one of his happiest days in his life. His mother is no more, but she was there when we cast him. And this is again a day that I'll dedicate to all our mothers, including his. And now I will request them at the end, just to recite a poem that this great poet of Shah Kamal has written. It's very short, but that will also tell you what the film is about. The film is really a timeless love story in the worst of times. So this is the part of that timeless love story. And I'm going, so thank you very much.